कि वजीर आजम की कुर्सी की एक इज्जत होती है, आप यही ब्रीच कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रही, आप खुद प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर रही हैं बिलावल साहब का लफ्ज इस्तेमाल करके, तो ये भी तो तौहीन है ना उस कुर्सी की। सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ना कहें तो क्या है? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड है, वो एक कठपुतली है, वो एक मोहरा है जिसको ला के बैठाया। कौन लाया? सिलेक्टर्स लेके आए जिनका नाम मियाँ साहब ने ले दिया, बिल्कुल ले दिया। आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? मैं आजकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन ढूंढती हूं। मैं एस्टैब्लिशमेंट के लफ्ज को नहीं मानती, ये दो या तीन लोग होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो आप जब एस्टैब्लिशमेंट कहते हो तो आप एक पूरे इदारे को मुलव्वस करते हो किसी चीज के अंदर। मैं समझती हूँ कि इदारा मुलव्वस नहीं है, ये दो या तीन लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कवर के पीछे छुप के ये सारे काम करते हैं, और नाम एस्टैब्लिशमेंट का होता है लफ्ज इस्तेमाल करके, तो ये भी तो तौहीन है ना उस कुर्सी की। सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ना कहें तो क्या? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड है, वो एक कठपुतली है, वो एक मोहरा है जिसको ला के बैठाया। कौन लाया? सिलेक्टर्स लेके आए जिनका नाम मियाँ साहब ने ले दिया, बिल्कुल ले दिया। आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? मैं आजकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन ढूंढती हूं। मैं एस्टैब्लिशमेंट के लफ्ज को नहीं मानती, ये दो या तीन लोग होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो आप जब एस्टैब्लिशमेंट कहते हो तो आप एक पूरे इदारे को मुलव्वस करते हो किसी चीज के अंदर। मैं समझती हूँ कि इदारा मुलव्वस नहीं है, ये दो या तीन लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कवर के पीछे छुप के ये सारे काम करते हैं। सिलेक्टेड ना कहें तो क्या? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड है, वो एक कठपुतली है, वो एक मोहरा है जिसको ला के बैठाया। कौन लाया? सिलेक्टर्स लेके आए जिनका नाम मियाँ साहब ने ले दिया, बिल्कुल ले दिया। आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? मैं आजकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन ढूंढती हूं। मैं एस्टैब्लिशमेंट के लफ्ज को नहीं मानती, ये दो या तीन लोग होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो आप जब एस्टैब्लिशमेंट कहते हो तो आप एक पूरे इदारे को मुलव्वस करते हो किसी चीज के अंदर। मैं समझती हूँ कि इदारा मुलव्वस नहीं है, ये दो या तीन लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कवर के पीछे छुप के ये सारे काम करते हैं, और नाम एस्टैब्लिशमेंट का होता है।